हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कैसे अपने चेहरे से अनचाहे बालों को हटा करके चेहरे को क्लीन और साफ करने का एक नुस्खा जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, चेहरे पर अगर बाल होते हैं तो वो देखने में बहुत ही खराब लगता है और गंदा सा लगता है। हम बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं चेहरे के बाल को, फेशियल हेयर को हटाने के लिए, बट वो सारे के सारे केमिकल्स वाले होते हैं। पर गाइस, आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल नेचुरल है, और अगर आप इसका यूज़ रेगुलर बेसिस में करते हैं तो आपकी मुंह में बाल आने बंद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। जो आपकी फेशियल हेयर है, जो अपर लिप के हेयर है, वो धीरे धीरे करके क्या होगा ना, बंद हो जाएगा आना वो हेयर सारे। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है शुगर। शुगर आपको थोड़ा सा क्रश कर लेना है, बहुत ही दरदरा नहीं होना चाहिए आपका शुगर, या फिर बहुत ही बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा शुगर लें, अगर आपके पास ऐसा शुगर नहीं है तो जिसको आप चीनी बोलते हैं उसको थोड़ा सा क्रश कर लें। क्रश कर लेने के बाद वो थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगा और आप इसको ऐसे बाउल में निकाल लें। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेना है लेमन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लेमन। अगर जिन जिन को सूट नहीं करता लेमन तो वो यहाँ पे टमाटो का भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको लेमन सूट नहीं करता, लेमन लगाने के बाद जिनकी स्किन में इरिटेशन वगैरह होते हैं, रेडनेस होते हैं, खुजलिया वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे टमाटो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया है, जिनको जो सूट करता है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर ऑरेंज का भी इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेमन के जो बीज होते हैं उसको ऐसे स्क्वीज कर करके निकाल लेना है, नहीं तो ये जो है ये आपकी मुंह में चुभेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके जो बीज है इसको निकाल लेना है, और उसके बाद जो आपने स्क्वीज किया होगा इसके अंदर जगह बन जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, इसको आपको चीनी के अंदर डिप करना है, नहीं तो इसके ऊपर आपको चीनी डालना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डाल के दिखाया हुआ है बिल्कुल इसी तरह। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, और फिर आपको, नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते तो इसको डायरेक्टली आप एक चीनी के बाउल में ऐसे डिप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेस में इसको धीरे धीरे करके रब करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डली रब नहीं करना है, तो धीरे धीरे करके ऐसे थोड़ा थोड़ा स्क्वीज कर करके आपको अपनी फेस में, अपनी चीक्स में जो गाल होते हैं वहाँ पे, चीन में, अपर लिप्स में, आप पूरे फेस में आपको इसको धीरे धीरे करके ऐसे अप्लाई करनी है। और अप्लाई कम से कम, रब कम से कम आपको 5 से 7 मिनट तक करनी है, और 5 से 7 मिनट बाद आपको इसको अपने स्किन में 5 से 7 मिनट तक फिर से रहने देना है। आपको इमीडिएटली इसको वॉश नहीं करना है। तो इसको रब करने के बाद आपको इसको अपने चेहरे में 5 से 7 मिनट तक ऐसे लगे रहने देना है, और उसके बाद आपको इसको अपनी फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेनी है। आपको यहाँ पे कोई सोप या फिर साबुन का इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे आप इसको इस तरीके से रब करेंगे क्या होगा ना, आपकी जो डेड सेल्स हैं, जो डेड स्किन है वो सारे निकल आएंगे, और आपकी जो हेयर की जो जड़ है वो धीरे धीरे लूज होने लगेंगे, यानी कि ख़राब होने लगेंगे, और ख़राब होते ही आपकी जो हेयर है वो टूटने लगेंगे और आपकी जो पोर है वहाँ से बाल निकलने बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये जो स्क्रब है ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है। ख़राब यानी कि अगर आप बार बार अपनी स्किन में कुछ रगड़ते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको मेंटेन करना है हफ्ते में 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा आपको इसको नहीं यूज़ करनी है। और यूज़ करने के बाद आप चाहें तो कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लगा सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। गाइस, एक बार करके देखिए, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये, आपके जो फेशियल हेयर प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगे। सो आई होप गाइस ये जो वीडियो है ये आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।